हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईफोन 6 रिव्यू इन 2022। क्या आईफोन 6 2022 के अंदर आपको परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो यहीं पर शॉर्ट जवाब देता हूँ, आईफोन 6 2022 के अंदर आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कौन से, वो वीडियो के अंदर मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और किन लोगों को आईफोन 6 बाय करना चाहिए वो वीडियो के एंड में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइस अब बात करते हैं आईफोन 6 के डिज़ाइन के बारे में। तो बैक के अंदर आपको एल्यूमिनियम बॉडी का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जिससे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आईफोन की ब्रांडिंग और एप्पल लोगो देखने को मिल जाता है। और ऊपर की तरफ हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है ड्यूल LED टोन फ्लैश के साथ। लेफ्ट हैंड की तरफ बात करें तो एक स्लाइडर बटन देखने को मिल जाता है, जिससे आप फोन को साइलेंट और जनरल कर पाओगे। और नीचे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन देखने को मिल जाता है। राइट हैंड की तरफ बात करें तो यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, जिससे फोन को ऑन ऑफ कर पाओगे। और नीचे एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप फिजिकल सिम इंसर्ट कर सकते हो, ई सिम इसके अंदर यूज़ नहीं कर पाओगे। और जियो की सिम इसके अंदर यूज़ कर पाओगे, इसके अंदर वोल्टी का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ क्लीन लुक देखने को मिलता है। और बॉटम की तरफ बात करें तो यहाँ चार्जिंग पोर्ट, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर और एक हमारा 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो आईफोन 6 के अंदर आपको 4.7 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ तक आईफोन 7 और 8 के अंदर भी आपको एक LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। कॉन्स की बात करते हैं तो मुझे कोई कॉन्स नहीं देखने को मिला। कलर क्वालिटी एंड कंटेंट की भी बात करें तो आपको डिस्प्ले पे आपको कंटेंट में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो कलर क्वालिटी में कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो आईफोन 6 की डिस्प्ले में मैं कोई भी कॉन्स आपको नहीं बता पाऊँ। नेक्स्ट बात करते हैं iOS के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये पार्ट। तो आईफोन 6 जो लॉन्च हुआ था वो iOS 8 के साथ लॉन्च हुआ था, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो iOS 12.5.5 के अंदर। अब कौन सी बात कर सकता हूँ, इसके अंदर आपको iOS 13, 14, 15, 16 कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यूज़ करते हो तो एप्लीकेशन तो आप डाउनलोड कर पाओगे, बट UPI पेमेंट्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि UPI पेमेंट्स के लिए iOS का जो वर्जन है वो 13.5 के ऊपर का होना चाहिए और आईफोन 6 जो है वो iOS 12.5.5 पे है। तो आप इसके अंदर आप UPI पेमेंट्स नहीं कर पाओगे। अगर आप UPI पेमेंट्स ज़्यादा करते हो, डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करते हो, तो ये फ़ोन आपको 2022 में बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, और पैसा वेस्ट अगर ये फ़ोन आप बाय करते हो। करते हैं रैम एंड चिपसेट के बारे में। आईफोन 6 के अंदर आपको 1GB की रैम और 8 चिपसेट देखने को मिलता है, जो 20nm पे बना है। आप कौन की बात कर लेते हैं तो अगर आप गेमिंग पर्पज़ से ये फ़ोन लेना चाहते हो तो इस फ़ोन के अंदर आपको बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है, ना ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्योंकि इसका प्रोसेसर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। आप बोलोगे भाई आईफोन के जो प्रोसेसर है वो रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी बेटर होना चाहिए, तो भाई नहीं होगा, एक लिमिटेड टाइम होता है। फिर तो आप आईफोन 5S और आईफोन 5 के अंदर भी गेम को प्ले कर लो तो काफ़ी अच्छे से प्ले होगा, एक लिमिटेड टाइम होता है। इस टाइम के अंदर अगर फ़ोन बाय करते हो तो अच्छा है, अब 6 से 7 साल पुराना हो चुका इस फोन के अंदर आपको ना ही तो बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ना ही कोई गेमिंग हिसाब से लोगे और ना ही अच्छा कोई बैटरी लाइफ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आईफोन 6 2022 के अंदर बिल्कुल भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो आईफोन 6 के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है ड्यूल LED टोन फ्लैश के साथ। और आप FHR की बात करो तो 2.2, और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p 60fps में हाईएस्ट आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और अब बात करते हैं सेल्फी कैमरे के बारे में। तो आईफोन 6 के अंदर आपको 1.2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्ड की बात करें 720p fps में आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। आप कौन की बात करें तो एकदम बेसिक लेवल का कैमरा इस फोन के अंदर, आपको ज़्यादा उम्मीद मत करो, ओप्पो वीवो की तरह आपको गोरा चमका देगा या फिर आपको बेटर क्वालिटी देगा, तो वो चीज़ इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। तो 8 से 10 हज़ार रुपये इस फोन के अंदर बिगाड़ो तो नहीं तो आपको कोई ढंग का बेटर कैमरा इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं फोन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, 2022 के अंदर बिल्कुल भी फोन आपको बाय नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो आईफोन 6 के अंदर आपको 1810mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कौनस की बात करें तो ना तो इसके अंदर कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, ना ही कोई इसके अंदर बेटर आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो नॉर्मली 1 या 2 घंटे इसकी फ़ोन की बैटरी चल जाए, वो बड़ी बात है। और इसलिए भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस फोन का बैटरी लाइफ काफ़ी पुअर है। हमने गेमिंग टेस्ट और पबजी टेस्ट की बहुत सारी वीडियो आईफोन 6 की बना रखी है, आप प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। और 2022 की भी आपको रिव्यू मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट करो बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो तो सर्विस सेंटर पर इसकी बैटरी का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 3,500 रुपीज़ यानी 3,500 रुपये के आसपास अगर आपको इसकी बैटरी चेंज करानी है तो सर्विस सेंटर पर इसका चार्ज लगेगा। बात करते हैं इसके सिम कार्ड सपोर्ट के बारे में। तो आईफोन 6 के अंदर आपको सिंगल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसके अंदर आप जियो यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर वोल्टी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और इसके अंदर फिजिकल सिम इंसर्ट कर सकते हो, कोई ई सिम की फैसिलिटी इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। बात करते हैं कलर एंड स्टोरेज के बारे में। तो आईफोन 6 के अंदर
कलर आपको गोल्ड कलर, ग्रे कलर, सिल्वर कलर देखने को मिल जाएगा। और स्टोरेज की बात करें तो 16GB से स्टार्ट होगा, 32GB और 64GB तक वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी के बारे में। तो आईफोन 6 के अंदर आपको सेकंड जनरेशन का फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा है, अभी सही से वर्क कर लेता है। तो इस फिंगरप्रिंट के सेंसर में मैं आपको कोई भी कॉन्स नहीं बता पाऊंगा, नॉर्मली अच्छे से फिंगरप्रिंट वर्क कर लेता है। करते हैं अवेलेबिलिटी एंड प्राइस के बारे में, इसको स्किप मत करना। तो बहुत लोग बोलेंगे भाई हमें फिर भी बाय करना है। अगर आपको फिर भी बाय करना है तो सेल पड़ी, अगर आप दिल्ली वगैरह के वीडियो देखते हो तो स्टोर पे आईफोन 6 आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करते हैं, 7000 से लेकर 10000 तक मिल जाता है। जैसे जैसे स्टोरेज आप एक्स्ट्रा लोगे वैसे वैसे आपको इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। अब इस हिसाब से आपको आईफोन 6 बाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको आईफोन 6s मिल जाता है, जिसके अंदर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चाहो तो सब यूज़ कर सकते हो। आईफोन 6 से बेटर है काफ़ी। इसके अंदर आपको iOS 15 का लेटेस्ट सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर iOS 12 चल रहा है और आईफोन 6s लोगे तो उसके अंदर आपको iOS 15 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा आईफोन 6 की तुलना में आईफोन 6s। तो आपको ये फ़ोन 2022 के अंदर बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं किन लोगों को बाय करना चाहिए। जिन लोगों के पास पैसा बहुत है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़ोन लेने के बाद, जिसके अंदर आपको बेटर एक्सपीरियंस मिले, बेटर परफॉर्मेंस मिले नहीं मिले, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ये लोग ये फ़ोन बाय कर सकते हो। बाकी फिर भी आप ये फ़ोन बाय करोगे मेरा मना बोलने के बाद, फिर आपको पछताने के सिवा या फिर अफसोस ही होगा ये लेने के बाद। अब बात कर लेते हैं और किन लोगों को बाय करना चाहिए। जिन लोगों को कलेक्शन का शौक है, जो आईफोन का कलेक्शन रखना चाहते हैं, वो ये लोग बिल्कुल बाय कर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आईफोन 6 2022 के अंदर बिल्कुल भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। बाकी लेने के बाद अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। और गाइज, अगर आप एप्पल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो, जैसे आईफोन के रिव्यूज 2022 के, वो आपको डेली मिलने वाले हैं। अब इसके गेमिंग टेस्ट, बैटरी टेस्ट, सभी आईफोन्स के आपको टेस्ट यहाँ मिलने वाले हैं। बाकी आपको जो नई लीक्स वगैरह आती है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।